सीवीसी की स्थापन की है, डॉक्टर दिनेश ताई इसके फाउंडेशन फाउंडर है। अभी उन्होंने क्या किया, डिजिटल करना अगर है ग्रामीण को, अगर डिजिटल करना है तो अर्बन एरिया से जोड़ना पड़ेगा। तो जो गैप जो है ग्रामीण लोग अर्बन तक जाने के लिए क्या जो पैसा खर्च होता है छोटे छोटे काम के लिए, अगर एक का पानी निकालना है या कोई भी एक सर्विस अगर डिजिटली सर्विस अगर लेना अगर है उसको, तो वो क्या करेगा हमारे खेड़े से होकर एक सिटी को या तो ब्लॉक को या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल जाकर वो उसका काम कर लेगा। तो वो जो गैप है जो ड्यूरेशन टाइम है, अगर एक सादा पानी भी निकालना है तो उसे बिदर जाना पड़ेगा, बिदर जाकर लेकर आना पड़ेगा, तो पूरा फुल डे उसका वेस्ट होता है। तो हम क्या करें, सीएससी वाले टोटली 1,26,000 सर्विसेस हमारे सीएससी में ऐड किए सर, 1,26,000 सर्विसेस हम गांव में ही दे सकते हैं, जैसे कि रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज है, डीटीएच रिचार्ज है, फ्लाइट टिकट बुक करना है, बस टिकट बुक करना है, पानी है, होल्डिंग है, कास्ट इनकम टोटली जितने भी कंप्यूटर के ऊपर हम सर्विसेस होते हैं अवेलेबल वो सभी हमारे सीएससी के अंदर अवेलेबल है। उसी के अंदर और एक प्रोजेक्ट हमने नया स्टार्ट किया सर, ये स्त्री स्वाभिमान सैनिटरी पैड नैपकिन वाला। इसमें क्या है सर, अदर ब्रांड से ही अच्छा वाला है और इसकी सख्त जरूरत हमारे रूरल एरिया में ज्यादा है सर, क्योंकि अर्बन में अवेयरनेस है और महिलाओं में जागरूकता होने के कारण इसका उपयोग अच्छी तरह से हो रहा है, मगर खेड़े के लोग लड़कियों में या तो महिलाओं में इसका उपयोग ना होने के कारण बहुत सारे मंथली पीरियड्स आना ऐसे वैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स इससे आ रहे हैं सर। वो कपड़ा यूज करते हैं कुछ भी होता है, और उसी के साथ में एक ये जानी मानी कंपनी सर, कंपनी का नाम नहीं लेता हूं मैं, इंडिया में और पूरे दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिकने वाली ये कंपनी, देखने के लिए तो अच्छा वाला है ये सब कुछ अच्छा है सर। और इन्होंने इसके ऊपर ऑलरेडी लिखा है सर, सैनिटरी नैपकिन के ऊपर उन्होंने लिखा है कि ये जेल बेस्ड टेक्नोलॉजी है और इसको इसको क्या बोलते हैं पिघलाने के लिए भी इसे 15 दिन लगता है बोलता, मगर हमारा जो है ना ये वाला प्रोजेक्ट ये वाला जो है सर, इसको सिर्फ अगर हम यूज करने के बाद एक दिन अगर मिट्टी के ऊपर अगर डाल देंगे तो ये पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इंसिनरेटर मतलब इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और जेल बेस 100% जेल बेस है, और इसका कैपेसिटी एक बाल्टी पानी एक पैकेट पूरा सोखने की इतनी क्षमता है सर इसके लिए। और इसका जो है सर उन्होंने बताया कि 1 लीटर पानी ऑब्जर्व करता है, जो कंपनी का है ये ब्रांडेड है, उन्होंने 1 लीटर पानी ऑब्जर्व करता है बताया सर, पर एक्चुअल में ये 1 लीटर पानी तो छोड़िए सर, थोड़ा सा भी पानी ऑब्जर्व करने की नहीं है क्यों, और एक बात है एडवर्टाइज में तो देखते हैं हम ये 1 लीटर पानी ऑब्जर्व करता है बोलकर, एक्चुअल में जब ये महिला या तो लड़की यूज करती है उसका कंप्लेंट लेकर किसी के पास नहीं जाती, क्योंकि ये सीक्रेट है, ये इसको छुपाने के लिए छुपाते हैं वो, तो कंपनी जो है गवर्नमेंट दूसरी जो कंपनीज है वो किस तरह से फ्रॉड कर रही है ये देखिए सर, इसमें भी थोड़ा सा पानी डालता हूँ मैं, चुप थोड़ा सा डालता हूँ बस इतना था। इसको देखते हैं सर, हम हाथ लगाते आप भी लगाइए, नमी है, गीलापन है और पानी दिख रहा है लगता है आपको पानी हाथ को लगता है सर, उसमें जो हम जो बनाए हुए हैं हमारी जो कंपनी है लोकल है, इससे क्या होता है सर इंडियन मेड हैंडमेड, इंडियन मेड विथ हैंडमेड और लोकल मेड और ये हैंडमेड का उपयोग कैसा होता है बोले तो, एक तो हम ये कंपनी स्थापन करने से हमारे गांव के महिलाओं को रोजगार प्राप्त होता है, हमारे ही लोकल में हम एक 10 लड़कियों को या तो महिलाओं को रोजगार भी दे सकते हैं, और अच्छा वाला है। और इसका देखिए सर, इसका आपके सामने डाल दूसरा, उसमें जितना पानी डाला था उतना ही पानी ये लोकल वाले में भी डाल रहा, थोड़ा ही अगर पानी का अगर महसूस भी नहीं होता, कोई अगर यूज करते हैं तो उसे थोड़ा ही पानी महसूस नहीं होता। अब रही दूसरी बात क्या है, हमने इससे पहले इसमें पानी डाला है सर, इससे पहले इसमें पानी डाला है, अभी देखिए सर कुछ है क्या, इधर छोड़ो पानी, अभी देखिए सर ये है ब्रांडेड कंपनी और ये सभी के इसमें है, मैं सिर्फ थोड़ा सा प्रेस करूँ तो पानी आ रहा है, और ये वाला देखिए सर जब महिला बैठते है तो उल्टा उसके कपड़े को लग जाता है पानी को, और ये वाला देखिए सर मैं कितना भी फोल्ड करूंगा तो इसमें से एक बूंद भी पानी नहीं आएगा, ये जेल बेस्ड है। और देखिए सर इन्होंने बताया कि जेल बेस्ड टेक्नोलॉजी है, इसको हम फाड़ कर देखते हैं थोड़ा सा, और टोटली प्लास्टिक सर, कॉटन यूज नहीं किया इन्होंने, आप देखिए
कॉटन नहीं है सर, कॉटन बोलते हैं लबर की तरह है, कॉटन नहीं है, लबर है, ये कॉटन है। इसे लबर में अगर पानी अगर लगता है तो बार बार वो अपने त्वचा से लिटर लिटर आता है। अभी इसके अंदर देखिए सर, जेल बेस्ड टेक्नोलॉजी है तो इसमें जेल कहाँ पर है सर, दिखना चाहिए ना जेल, बस सिर्फ कॉटन है इसके अंदर। और ये वाला जो हम लोकल वाला बनाए हुए है सीएसी की ओर से जो हमें रॉ मटेरियल दिया जाता है सर, इसमें देखिएगा बस टोटल पेपर है सर। और ये वाला तीन या चार दिन के अंदर मिट्टी के अंदर डाल देंगे तो तीन या चार दिन में ये पूरा खत्म हो जाता है। इसमें देखिए सर, जल बेस्ड टेक्नोलॉजी, इसमें पूरा जल में कन्वर्ट हो गया हमारा पानी। बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है ये, अच्छा वाला है। अगर आपके ग्रामीण में अगर आप अगर इसे ये करते हैं तो एक तो ग्रामीण महिलाओं को अवेयरनेस भी मिलता है सर, और एक रोजगार भी पैदा होता है। ऑलरेडी रिवॉल्विंग फंड एनएलएम का जो मार्केट वाला है, वो क्या कर सकते हैं।